नाम हम लोग लेते हैं कार्यक्रम का, जब नाम हम लोग बताते हैं तो उसके साथ साथ साई का एक मंत्र भी हमें याद आता है, वो है श्रद्धा और सबूरी। और श्रद्धा तो साई भक्तों में कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन आज समय है, आज की घड़ी है सबूरी को रखने की। Yes. और आज जिन्होंने भी, जिन साई भक्तों ने सबूरी के साथ अपना जीवन आज जिया है, जी रहे हैं, वही आज हमें लग रहा है कि कोरोना में आज वही लोग खुश है, वही एक उम्मीद के साथ जी रहे हैं। तो आज वही उम्मीद देने के लिए आज हमारे साथ, जैसे कि हमारी कार्यक्रम की परंपरा है, हमारी संस्कृति है, कोरोना विशेष में हम लोग अलग अलग साई भक्तों को बुलाकर सेवादार साई भक्तों के माध्यम से दुनिया के तमाम साई भक्तों को हम लोग शिरडी की जानकारी देते हैं। शिरडी के साथ साथ जो लोग बाबा के दर्शन के इंतजार में अपने घरों में बैठे हैं, उनको एक राहत की बात हम लोग यहाँ पर बताते हैं। और आज हमारे साथ बहुत ही बड़े सेवादार साई भक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जो भी लोग साई के साथ जुड़े हैं, साई के सच्चरित्र साई का पढ़ते हैं, उनको एक बात की जरूर एक जानकारी होगी कि बाबा साई बाबा स्वयं शिरडी के साथ साथ निमगांव, राहता और साकुरी, इन तीन गांवों में जाया करते थे। और आज उन्हीं तीन गांवों में से एक गांव जो है रुई गांव, उसी रुई गांव के एक साई भक्त को हमने हमारे इस कार्यक्रम में आज आमंत्रित किया है। इनका नाम है पंकज भाई अल्लोड़ा। पंकज भाई, मैं आपसे आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा एक ऐसे कार्यक्रम में जिसका नाम है चलो साई की ओर। तो मैं आपसे कई ऐसी बातें हैं, लेकिन शुरुआत हम लोग इस बात से करेंगे कि जब सारे लोग लॉकडाउन में अपने घरों में कैद हैं, तो आप भी शायद लॉकडाउन में अपने घरों में कैद है, सारे साई भक्त हैं, तो आपने भी सुना होगा कि साई का मंदिर 17 मार्च को बंद हो गया। शिरडी का मंदिर के साथ साथ कई मंदिर बंद हो गए, लेकिन साई का मंदिर जब बंद होता है तो बात आती है दर्शन की। तो आपके दर्शन भी साक्षात मंदिर में नहीं हो रहे, तो आप अपने मन मंदिर द्वारा साईं के दर्शन कर रहे, तो किस प्रकार से आपने लॉकडाउन के समय में साईं के दर्शन किए? अभी देखिए, लॉकडाउन का जब समय आया तो हम लोग सब घरों में बैठे थे, तो घरों में बैठते हुए भी हम लोग बाबा की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले साईं निर्माण ग्रुप के साथ काम करते हुए बाबा का जो पवित्र ग्रंथ है साई चरित्र, उस ग्रंथ का पारायण हम लोग बहुत बार कर चुके थे। पर हमारे साथ में ही हमने पूरा गांव, जो आजू बाजू का एरिया है, वहीं भी बाबा का पारायण हम लोग लेते थे। तो फिर हमने सोचा कि कहीं अगर हम लोग लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं तो हम भी बाबा का पारायण क्यों ना करें। तो मैं खुद बाबा का पारायण करता था, मेरे घर वाले सब सदस्य पारायण करते थे। उसी वक्त मैं एक नोटबुक लेके बैठता था और जो बाबा ने हर अध्याय में शिक्षा देने की कोशिश की है मैं उसको एक पेज पर उतारता था। और वो जब मैंने पूरा साई चरित्र पढ़ा और वो जब सब, वो भी मैंने एक कागज पे सब लिखी, तो मैंने सब मेरे दोस्तों को व्हाट्सएप किया और उनको पूछा कि जब आप ये वो भी एक बार पढ़ोगे तो मुझे उसका आप अनुभव प्लीज बताइएगा। तो जब वो भी मेरे कुछ दोस्तों ने पढ़ी, अभी सब लॉकडाउन में घर पर ही थे, तो वो दोस्तों ने मुझे बताया कि बाबा का जो 53 अध्याय का साई चरित्र है उसमें इतनी ताकत है, हमारे जीवन में जो भी कठिनाई आती है, संकट आता है, घर में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, अगर हम उस ओवी के ऊपर ध्यान दें तो हमारा जो हम सामने प्रश्न है उसका सोल्यूशन बाबा दे देते हैं। जब आप ओवी की बात करते हो, ओवी मतलब मराठी में उसे ओवी कहते हैं, और हम कहेंगे कि जो लाइन है, लाइन है बाबा की। हाँ, जैसे कि आपने लाइन की बात की, ओवी की बात की, तो सारे साईं भक्त उसको सुनना भी चाहेंगे। मैं आपको एक थोड़ी सी, जो बाबा का साई चरित्र है, हम साई निर्माण ग्रुप, हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष विजय रोजी कोटे पाटिल है, इनके साथ काम करते हुए हमने जो पारायण का अध्ययन किया है, देख बाबा का सिंपल वो भी मैं आपको बताता हूँ, चार लाइनें है। नरास का या पशु पक्षा ही, नरास का या पशु पक्षा ही, न करी कुनासी खड़ड़, आल्या गेल्याचा सत्कार करी, तुषित्या जल भुकेल्या भाकरी, उघड्या सवस्त्र बसाया होसरी। अगर ये चार लाइन की तरफ ध्यान दे तो बाबा ने बताया कि तुम आदमी क्या, पशु पक्षी को भी वहां पे तकलीफ मत देना, जो भूखा है उसको खाना देना, जिसको प्यास लगी है उसको पानी देना, जिसके वस्त्र नहीं है उसको कपड़ा देना। तो बाबा ने जो चार चीजें बताई उसको मानते हुए हम लोगों ने आज तक मार्गक्रमण किया है। और लॉकडाउन की अगर बात करें तो फिर हमने सोचा कि हम लोग घर में बैठे हैं जी, तो आज व्हाट्सएप का, फेसबुक का जमाना है, तो हमने सोचा कि अगर ये पारायण बाबा का हम सब दोस्तों को अपने ही घर में, हर गुरुवार को अगर हमने सब भक्तों को दे दिया कि आप ये अध्याय पढ़िए, वो अध्याय पढ़िए, तो बाबा का एक घंटे में जो 53 अध्याय है उसका पारायण होता है। मैं मेरे रुई की बात बताता हूँ,
हमने 53 लोगों के नाम निकाले, उनका लकी ड्रॉ निकाला, जो भक्तों को जो अध्याय है वो अध्याय दे दिया, और वो अध्याय देने के बाद सब लोगों ने गुरुवार को, पिछले गुरुवार को 11 बजे पारायण किया। उससे पहले उन्होंने स्तवन मंजरी पढ़ी, बाबा का पारायण किया, उसने बाबा की भक्ति करके बाबा का आशीर्वाद दिया। तो ये जो संकल्पना है हमने हमारे ग्रुप के साथ बताया, हमारे आदरणीय बिजू वैकोत्री को बताया, तो उन्होंने कहा कि 53 अध्याय है, अगर एक साथ एक को अध्याय देना थोड़ा मुश्किल काम लगता है, और हम चाहते हैं कि ये काम हमारे शिरडी से शुरू करके शिरडी राहता नगर महाराष्ट्र राज्य पूरे हिंदुस्तान देश और बाद में अगर पूरे विश्व में अगर लेके जाए तो बाबा का आशीर्वाद सब लोगों को मिलेगा। और सब सही भक्त जानते हैं कि बाबा का जो अध्याय है, पहला अध्याय, तो उसमें जो पैजे की बीमारी आई थी, तो बाबा ने उस वक्त जो आटे की लक्ष्मण रेखा खींच के उसको बाहर ही रखा था। तो फिर अगर हम सब कोरोना से भय है, सब लोग कोरोना को डर रहे हैं, तो इस वक्त अगर बाबा के सही चरित्र पारायण के लक्ष्मण रेखा हमारी ओर हम खींच दें तो कोरोना से डरने की कोई बात नहीं है। क्या मुकेश भाई, आप रूई से हो जहाँ पर बाबा ने खुद अपने चरण स्पर्श गाँव में किए। बाबा का जो 40वां अध्याय है उसमें वो भी क्रमांक 37 है, उसमें बाबा ने बताया कि मैं रूई में आता था, उसमें लिखा है कभी बाबा जात रहत्यासी कभी रुई व नीम गावा से, बाबा से पवित्र चरणों से जो भूमि है वो हमारी रुई गांव है। उसी रुई गांव से आप हो जहां पर बाबा ने अपने खुद चरण स्पर्श वहां पर किए, और उस गांव में हमने सुना है कि आपने बाबा का बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत विशाल सा मंदिर आपने साई कर, तो लॉकडाउन के समय में उस मंदिर से जुड़ी हुई कोई बात हमारे साई भक्तों को अगर आज आप बताए। मैं पहले माफी चाहूंगा कि आपने बताया कि हम लोगों ने बाबा का मंदिर निर्माण, मैं तो पहले तहे दिल से आपको कहना चाहूंगा कि आज तक जो भी बाबा की सेवा करने की कोशिश की है हम लोग सब माध्यम है, वी आर ओनली मीडिएटर, हमने बाबा के आशीर्वाद से यहाँ पे काम करने की कोशिश की थी। और जब हम लोगों ने रुई में काम करने की कोशिश की तो हमारे गांव में पुराना शिव मंदिर था, और हमारे मित्र हमारे अंकल फकीरा लोडा बाबूराव सिंह सर सभी सदस्य हम जब बैठते थे तो हमने सोचा कि अगर बाबा रुई गाँव में आए हैं तो अगर ये शिवजी का मंदिर का भी हम पुनर्निर्माण करें, और उसके बाजू में अगर बाबा का मंदिर बनाए तो यहाँ के जो साई भक्त है उनको दर्शन के लिए अच्छी जगह यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। और जब हमने मंदिर का काम शुरू करने की कोशिश की तो हम लोगों ने सोचा था कि 10x10 का हम मंदिर बनाएंगे, क्योंकि हम लोग सब तब साइकिल पे प्रवास करते थे, क्योंकि हमारे भी कोई इतनी बड़ी आर्थिक क्षमता वहाँ पे नहीं थी, लेकिन बाबा का काम था, हम लोग जुनून से लेके निकल पड़े थे। और 10x10 का जो काम था तो आप वहाँ पे जाके देखिए, कम से कम 1 करोड़ रुपए का मंदिर वहाँ पे बना है। तो मैं साईं भक्तों को यही कहना चाहूंगा, अगर बाबा का काम करना हो तो उसे सिर्फ बाबा के आशीर्वाद से जुनून के साथ लेके चले, उसे पूरा करने की जिम्मेवारी खुद साईं बाबा लेते हैं। आपने कहा कि 10x10 की जगह से बाबा के मंदिर की शुरुआत हुई, आज उसी 10x10 के कई घरों में लोग आज कोरोना से डर कर अपने घरों में कैद है, लेकिन साईं के दर्शन के इंतजार में है। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि बाबा के दर्शन उनको किस रूप में मिलेंगे? अभी ऐसा है, मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा कि साईं के बारे में तो जो लोग दर्शन के लिए आते हैं वो ऐसे कहते हैं, मेरे साईं की सूरत ऐसी सब लोग देखा गए, मेरे साईं के कदम ऐसे फरिश्ते भी चूमा गए, अरे जिसने भी एक बार देखा मेरे साईं को वो दीवाना होके शिरडी की गलियां घुमा। क्या बात है। और आज इस लॉकडाउन के दिनों में जो साईं भक्त अपने अपने घरों में बैठे हैं उनके दिमाग में एक ही बात है, ये जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं बाबा का जाके दर्शन लूंगा, और मैं दीवाना होके शिरडी की गली घूमकर बाबा को कहूंगा, बाबा आपकी बहुत बहुत कृपा हम भक्तों पे है, कोरोना जैसा यहाँ पे सब इतना लोग दिक्कत में आ गए तो भी हम लोग आपके कृपा आशीर्वाद से बच गए, तो मैं आपको धन्य होने आपके दरबार में आया हूँ, आपके चरणों पे माथा टेकने आया हूँ। क्या बात है, आप शिरडी की गलियों की बात करते हुए कई ऐसे यादें हमारी ताजा कर दी कि जैसे कि हम लोग आज कोरोना की स्थिति में शिरडी की गलियों की तरफ देखते हैं, जाते हैं घूमते, तो वहाँ पर कोई भी आज इंसान उन गलियों में नहीं है, नहीं। और जब लॉकडाउन के पहली की अगर गलियों की स्थिति अगर हम लोग याद करें तो उन गलियों में पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी, और हम लोग यही चाहते हैं कि बाबा जल्द से जल्द उन सारे गलियों को फिर एक बार अपने आशीर्वाद से साईं भक्तों से भर दे, और यह दिन मुझे लगता है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, और ये दिन जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। क्या बात, क्योंकि मणिलाल जी आप यहाँ पे जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसका नाम है चलो साईं की ओर, और सब साईं भक्तों की बंदी है बाबा से दिल से दूर। वाह,
तो बाबा को आने से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके माध्यम से जो भी साई भक्त यहाँ पे ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके दिल में भी ये तमन्ना उठेगी, ये भावना जगेगी, ये भक्ति जगेगी कि चलो अब लॉकडाउन खत्म हुआ है, बाबा ने कृपा आशीर्वाद कर दिया है, चलो हम भी बाबा के दरबार में जाए और बाबा का मनोभाव से दर्शन लेके वहाँ पे बाबा को बोले कि बाबा अरे आपकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। सारे लोगों की डोर बाबा के हाथों में है, तो हर कोई यही चाह रहा है कि बाबा कब मेरी डोर को खींचे और मुझे शिरडी लेके चले। और बाबा का तो यही चमत्कार है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यही अनुभूति लोगों तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं कि किस प्रकार से बाबा अपने जीवन में आकर अपने सारे काम सफल करते हैं। तो आपने भी मतलब बाबा के दर्शन तो समझो घर से किया, आपने बताया कि साई चरित्र पढ़ा, तो आपने कुछ ऐसी भी सेवाएं आपने अपने इस लॉकडाउन के समय में की होगी कि जिनको सुनना साई भक्तों को अच्छा लगेगा। अभी ऐसा है हम लोग ग्रुप के माध्यम से काम करते हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ तो लोगों को लगेगा कि यहाँ पे सब काम पंकज जोड़ा करता है। तो मैंने पहले ही बताया कि बाबा हमारे यहाँ से काम करवाते हैं, हमारा साई निर्माण ग्रुप है, साई संदेश प्रतिष्ठान है, साई कुबेर डेवलपर है, इसमें कम से कम 700-800 लोग काम करते हैं और इनके सब यहाँ पे हम लोग जो हमारा बिजनेस करते हैं, हमारे अध्यक्ष विजय भाई कोते पटेल वहाँ से 11% रकम वहाँ भी निकालते हैं और उस रकम से हम लोग जो भी मुनाफे से जो भी हाँ तो बाबा के आशीर्वाद से सेवा करते हैं। तो उसमें लॉकडाउन में सबसे बड़ी बात यही थी कि हमारे कोपर गांव के जो तहसीलदार साहब थे उन्होंने फ़ोन किया कि कोपर गांव में बाहर से आए हुए जो मजदूर हैं तो उनके सामने बहुत परेशानी है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर हमने उनको बताया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि आप अगर उनको एक महीने का किराना वहाँ पर दे दे, तो हमारे भी जो भाई ने बताया कि किराना देना कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करो, उसको इतना किराना देना है कि उसके घर के 4-5 सदस्य एक महीने के लिए आराम से उसका गुजारा हो सके। तो ऐसे 150 जो मजदूर हैं उनको लिस्ट हमने निकाला और उनको हमारे जो तहसीलदार साहब है और हमारे जो प्रांताधिकारी हैं गोविंद शिंदे साहब उनके यहाँ उनके सम्मान में उनके साथ हमने यहाँ पे 1,00,000 रुपये का किराना 150-200 लोगों को वहाँ पे देने की कोशिश की। और दूसरी बात ऐसी है, हमारे गाँव में जो मजदूर थे जो यहाँ पे काम कर रहे थे इधर उधर, तो उनके सामने भी परेशानी थी जब वो राज्यों से जो लोग यहाँ पर आए, तो उन्होंने बताया कि भैया हमें चावल की गेहूं की थोड़ी मदद कर दो। तो उन लोगों को भी जो बाबा के आशीर्वाद से जितना भी हमें पॉसिबल है वो सेवा करने की वहाँ पे कोशिश की। जो काम बाबा ने किया 60 साल शिरडी में रहकर जो सेवा की, उसी सेवा से लेकर आपने वो लॉकडाउन के समय में कोरोना की महामारी में ये सेवा आपने की। तो आज कई ऐसे लोग हैं कि अपनी सेवा शिरडी में आकर करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा डर कोरोना की महामारी का उनका दिलो दिमाग में बैठा हुआ है और हमारा प्रयास ये है चलो साई की और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका थोड़ा सा डर उनका हम लोग कम कर दें। तो आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जो साई भक्त आपको सुन रहे देख रहे हैं उनका डर आपको कम करना है, उनको शिरडी आने का एक आमंत्रण आपको करना है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा मेरे साई के दरबार में दुनिया बदल जाती है, साई के रहमत से तकदीर बदल जाती है, और जो लेता है दिल से मेरे साई का नाम पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। आप शिरडी आए, यहाँ पे कुछ डरने की बात नहीं है, बिन दिक्कत बाबा के आशीर्वाद से आप साई बाबा का नाम ले। मैं 100% श्योर कहना चाहता हूँ कि जो लोग बाबा को मानते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बात को आपको दूसरी ओर लेना चाहूंगा जी, क्योंकि बाबा ने जो शिक्षा दी है उसको मानने की जरूरत है। हम लोग बाबा को मानते हैं लेकिन बाबा की बात नहीं मानते। तो बाबा की जो ये बात है जो भक्त मानते हैं उनको 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर बाबा का आशीर्वाद 100% है। तो मैं उनको यही बात कहना चाहूंगा कि आप किसी भी डर का मन में न लाते हुए बाबा को आशीर्वाद अपने सर में है तो आप बिन दिक्कत शिरडी आइएगा, बाबा का दर्शन लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। वाह, बहुत अच्छी बात आपने की कि मैंने भी पहली बार ये सुना है कि साई भक्तों को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि साई को तो सारे मानते हैं लेकिन साई की कौन मानता है, और जो साई की मानेगा उसे तो कोरोना महामारी उसकी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि साईं से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको कुछ भी आज दिलो दिमाग में डर रखने की जरूरत नहीं है। तो आज हमारे साथ आपका डर कम करने के लिए रुई गांव से, जहां पर साईं बाबा स्वयं जाया करते थे उस गांव से, एक सेवादार साईं भक्त हमारे साथ आज यहां पर हमारे कार्यक्रम में थे, पंकज भाई लोढ़ा, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि पंकज भाई फिर एक बार आप हमारे साईं भक्तों से फिर एक बार आप प्रार्थना कर सकते हो।
कि आप शिरडी आकर आपको किस प्रकार से दर्शन होगा, एक ऐसी प्रार्थना हमारे साईं भक्त को भी आप करते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा का जो साई चरित्र है वो साई चरित्र का पठन आप घर पे करें। हम लोग जो विश्व में जाने की बात कर रहे हैं तो साई निर्माण अकेला इस काम को पूरा नहीं कर सकता है। अगर इसमें एक से भले दो से भले चार ऐसे साई भक्त अगर जुड़ते जाए तो ये कड़ी मजबूत हो जाएगी। कड़ी मजबूत होते हुए हम लोग हमारे गांव से शुरू करते हुए राज्य, देश और बाद में पूरे विश्व में हम लोग जा सकते हैं। तो मैं सभी साई भक्तों को यही अपील करना चाहूँगा कि आप अपने घर पर बैठे हुए आने वाले 3 गुरुवार में सवेरे 11 बजे बाबा का 1 नंबर का जो अध्याय है उसका पठन करना है। उसका पठन करके बाबा का आशीर्वाद हमारे सभी घर के मेंबर्स, हमारे पूरा समाज के ऊपर, पूरे देश के, विश्व के ऊपर लेना है। और ये करते हुए हम लोग जब बाबा का पारायण करेंगे तो स्तवन मंजरी का पठन, बाबा का आरती भी हमें वहाँ पे करना है। और इसी माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, आप एक बार बाबा की ओर आइएगा। क्या बात, ओनली एक बार आप एक बार बाबा को आइएगा। बाबा को कुछ अपनी जो मन की इच्छा है, आप जो दिल में रखते हो, वो एक बार बाबा को सिर्फ कानों में बताना है। मैं 100% यहाँ पे आपके कैमरा के सामने कहना चाहता हूँ कि बाबा का पारायण करके तहे दिल से, सच्चे दिल से मांगो, बाबा अपने झूले में डाल देते हैं। तो ये कोरोना हो चाहे कुछ भी, जो भी हमारे जीवन में संकट हो, कोरोना तो एक एग्जाम्पल है आज जो सब लोगों के सामने आया है, लेकिन आपके जीवन में कोई भी संकट हो तो ये पारायण के माध्यम से बाबा उसके झोली में अपना आशीर्वाद डाल के उसके जो संकट है, दुख है, दूर करते हैं। बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन बातों में विश्वास और श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। लेकिन आपका जो बातों का जो भाव है, जिस प्रकार से आपने यहाँ पर लोगों से अपील की, मुझे लगता है कि सारे लोग आपके कहने पर सारे लोग अपने घरों में, कुछ लोग तो करते ही होंगे लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो सारे लोग साई चरित्र का पाठ अपने घरों में करेंगे। और सारे लोग एक विश्वास के साथ अपने बाबा में, अपने साई में विश्वास रखें कि एक दिन जिस प्रकार साई बाबा ने कुछ साल पहले हाइजा महामारी को नष्ट किया, उसी प्रकार साई बाबा फिर एक बार इस कोरोना महामारी को भी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे, ऐसा विश्वास आज हमारे शो में जुड़े हुए, हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए पंकज भाई लोढ़ा ने आपको आज यहाँ पर दिया। मैं फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। और अगले एपिसोड में पंकज भाई जैसे और कई सेवादार साई भक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और जिनके माध्यम से हम आपका ये कोरोना महामारी के प्रति जो डर है, जो शिरडी आने का जो आपका जो आस है, उसको हम लोग सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने हमारे इस कार्यक्रम को देखा। आप इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को, हमारे इस चैनल को जिसका नाम है ग्रीन एंड क्लीन शिरडी प्रस्तुत चलो साईं की ओर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओम साई राम, ओम साई राम।